मैं हूं सुरेश कोहली और आप देख रहे हैं CST न्यूज। आज हम पहुंचे हैं सिंधु बॉर्डर पर और जहां किसानों की रैली काफी संख्या में चारों तरफ आपको जो देखने को मिल रही है, हम आपको वो भी नजारा दिखाएंगे बिल्कुल लाइव। आपको सीधा लेकर चलते हैं कुंडली बॉर्डर पर कि जहां पर किसानों ने जो धरना प्रदर्शन दे रखा है सरकार के खिलाफ कि जो काले कानून सरकार ने बनाए हैं कि क्या सरकार किसानों की मांग को मानती है, उनको वादों को पूरा करती है। अब देखना यह है कि कल जैसे 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, गणतंत्रता दिवस है, तो किसानों का जो कहना है कि हम मार्च पास्ट कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ पर चारों तरफ से नजारा बहुत ही ज्यादा नजारा आप यहाँ तो देखने को मिल रहा है। और किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है पर काफी संख्या में आपको देख सकते हैं कि किसानों को किस तरह से एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कम से कम 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर अब जैसा देखा जा रहा है कि किसान भी पूरी तरह से आर पार के मूड में है। और अब ये कहना यह है कि किस तरह से अब सरकार को ये काले कानून अपने वापस लेती है या नहीं लेती है। और किसानों का भी ये कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है तब तक हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये जारी रहेगा। तो देखते रहिए हमारे साथ CST न्यूज। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं CST न्यूज। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो हम जानेंगे किसानों की राय, उनका क्या कहना है। कल 26 जनवरी है और किस तरह से उनका प्रदर्शन है, सरकार के खिलाफ रोष भी है और जोश भी है। आइए जानते हैं उनकी राय। बोलो से बोल रहे हैं। यहीं आए, 26 जनवरी करके आए हैं। अच्छा, अपने सरकार के खिलाफ आए हैं, अपने नारे लाने वास्ते आए हैं। इन्हें पहला नोटबंदी की, लोगों ने तंग किया, फिर इन्होंने 370 तोड़ी, वो भी लोगों ने तंग किया। सर, क्या लगता है कि आपकी जो मांग है, आपकी मांग है, आपने अपने आड़े बिल पास की बारे मांग है हड़ी जी, इन्हें हड़ा बहुत ही कतका किया भी इन्होंने सबको डानी बानी दे दो, सबको उन्होंने दे जाओ। इस करके अं इन्होंने मजारी आए इतने, फिर इन्होंने धरने लाने वास्ते आए इस करके। तो कल 26 जनवरी है, कल 26 जनवरी पूरे जोश से अपना करेंगे नाराबाजी। अच्छा, पूरे जोश से करेंगे। क्या करना चाहेंगे? मैं तो बोला था असि कहो कि इन्हें भी तीन काले कानून जोड़े मोदी ने लाए वो रद्द करे। देखो तुहाडे सामने कितनी दुनिया खराब हो रही है। रोटी पानी का कोई नहीं, अहीं सारा प्रबंध करके आए। जिन्ना चिर सानू अपने हक ना मिलणगे अहीं इत्थे नहीं जावांगे। कल नूं 26 जनवरी दी आ, सारे ट्रैक्टर अहीं रेडी कीते पए आ, परे तो परे ट्रैक्टर लिआंदा पिआ इत्थे अहीं जी, अहीं सारा कुछ जाने के इत्थे मना के जावांगे, चंगी तरह जावांगे। रोटी पानी सानू बणदा वा, अहीं आप ही ला लैंदे आ, कोई चक्कर सानू इंदा दी दिक्कत नहीं हैगी। जिन्ने चिर सानू आपदे हक नहीं मिलते अहीं इत्थों नहीं जावांगे। सर, आपको क्या लगता है कि जो किसानों की मांग है जायज है, लेकिन क्या सरकार इस बारे में झुकेगी? क्या कहना चाहिए? झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। इतना आदमी आया है, सभी जिलों से आया हुआ है, झुकना पड़ेगा इसको। हम ये कानून रद्द करा के ही जावांगे इधर से। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे भाव जी? भाई साहब, हम तो ये कहते हैं ये जो है ना कुत्ती के साथ क्यों रड़ा है, और साहब ने कटूरे भी रल गए हैं। ये जो कुत्ती है ना, बड़ी कुत्ती है, ये मोदी है, और जो ये वो कटूरे हैं, ये अहमद शाह हो गया, चकले की पैदाइश नरेंद्र तोमर, ये चकले की पैदाइश है सारे ही। कोई भी अपने बाप का नहीं है, कोई ड्राइवर का बीज है, कोई किसी का, कोई किसी का है। बाकी इन्होंने एहो जिहा बेड़ा गर्क किया इंडिया का, सारा इंडिया बेच के खा गया मोदी। तो कल 26 जनवरी सर, इसको लेकर के आपकी कल क्या भूमिका रहेगी? कल को हम सभी 80 साल से लेके 4 साल तक बच्चों के सेरे लगा के इनकी बहने की शादी करके हम अपने पंजाब में लेके जाएंगे। हम तो यही कहेंगे मोदी को भी, मोदी ने आगे पहले तो कश्मीर में पंगा ले लिया 370 हटा के, फिर शहीनबाग पंगा ले लिया, उथे इन कहने क्या, और मोदी ने हुण गलत पंगा ले लिया पंजाब नाल पा गए। ये गुरु गोबिंद सिंह दे सूरमे आ, उन्हां दीआं फौजां, इन्हां दा हुण जाणा नहीं इतों जिन्ना चिर ये मोर्चा फतेह करके ना, जिथे जिन्ना मर्जी जोर ला लो जावांगे। ट्रैक्टर मार्च को लेकर सर कल आपकी क्या रणनीति है, क्या भूमिका रहेगी सर, ये बताइए। पूरा पूरा जोर लगा के रोस मार्च कढ़ांगे, मोदी की हक ते चाढ़ के जावांगे, जिदा भी ट्रैक्टर जिथे मर्जी भज लवे।
दो साल बैठना पड़े। देखो जनाब जे अभी अरशा ते चढ़ाया ना तो फर्श ते भी छड़ के जावांगे। पिंडरा वाले दे हाथ विच फड़े आ तीर दे वर्गा नी, पिंडरा वाले दे हाथ विच फड़े आ तीर दे वर्गा नी, धक्के नाल जो दब लोंगे कश्मीर दे वर्गा नी, धक्के नाल जो दब लोंगे कश्मीर दे वर्गा नी। जनाब कहंदे आ कुट कुट के बदले लैंदा ओनू पंजाब, कहंदे आ कुट कुट के बदले लैंदा ओनू पंजाब, कहंदे आ पटियाले जिले से आया। हाँ जी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते थे जो मोदी ने कानून बनाया बहुत गलत बनाया, हम इनकी सख्त निंदा करते हैं और हमें इनको भंग करके जाएंगे नहीं, उतनी देर जाएंगे नहीं, यहाँ से नहीं हलेंगे हम, चाहे सर्दी भी लंग जाए चाहे गर्मी भी लंग जाए, कुछ भी हो जाए, बारिश आ जाए गड़े आ जाए, हम नहीं हलेंगे। मोदी सरकार, 8 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा, 100 साल का बुजुर्ग हमारा यहाँ पे बैठा है, हम ऐसे नहीं है, ऐवे नहीं फिर रहे हैं, अभी चुन्नी चक के ऐवे अभी दो दिन ओनू तो अभी ऐवे खिसक जाएंगे भूखे नंगे मर के, देख ला कि जंगल लंगर चले बाबे नानक दे साडे दे। हां असि रोची रोटी कमाने वाले मेहनत करके, असि ठगिया ठोरिया वाले नहीं है, जो इन्हें अन्नी डवानी नाल मिलके ना साडे नाल धोखा धड़ी करी है, हुण असि नूं बेनती कर रहे हैं भी जेडे कानून पास करे हैं इन्हां नूं रद्द कर दे, नहीं तां फिर ना प्यार नाल जो कहंदे आ ਬਸ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲੋੜ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੋ ਪਿੰਡ ਵੈਰਵਾਲ ਜੀ। ਆਂਦੋਲਨ ਕੋ ਲੇਕਰ ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਆਪਕਾ ਆਂਦੋਲਨ ਕੋ ਲੇਕਰ, ਕਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੱਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਕਿਆ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਣਨੀਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੋ ਕੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਮੋਦੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੇਖੇ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਸ ਰੋਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰਾ ਸਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾਵਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਆ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ कोई सही नहीं लग रहा है जो सरकार मानने के मूड में नहीं है और वो बीच का रास्ता चाहती है, तो क्या आप उनको मौका देंगे बीच के रास्ते का? देखो बीच का रास्ता कौन सा है, जो सारा रास्ता ही खराब है, पूरा रास्ता ही खराब है, बीच का रास्ता वो होता है जो रास्ता थोड़ा बहुत अच्छा बचा हो रास्ता उस रास्ते में चल पे, जब रास्ता ही पूरा खराब है तो चलने का रास्ते में जाने का कोई बात ही नहीं उठता, कौन सा रास्ता लेके जाएंगे आप? 3 काले कानून की आप बात करते हैं, तो अगर आम आदमी इस बात को आसान भाषा में समझना चाहे तो कैसे समझाएंगे आप उसको कि क्या है कितनी ये काले कानून? तो देखो 4 महीने तो ये पूरा हर आदमी आम आदमी के पास फोन है, कोई इंडिया के कोई आदमी नहीं जिसके पास फोन नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया जमाना है, सारे जान चुके आ कि ये कली कली पॉइंट के उपर भी जो सा
आगुआ ने भी कले कले आदमी ने समझाता वा कि ये जेडे इना ज्यादा मतलब खतरनाक है कि यह अंबानी अडानी के नाल कमिटमेंट कर ली करके की हुई है जरा उन्हें वो पिछे नहीं हटिया जा रहा को क्योंकि इन्हें मोदी अडानी जी पूरी जनता जी जो किसानी जी उन्होंने पूरा वेच दिता वो की इन्हें लिया गा ये मोदी जानता कि इन्हें ले लिया को पिछा नहीं हट रहा क्योंकि आम आदमी जो आ नोटबंदी पहले हो गई है ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਨ ਜਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਆ 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 ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਐਸੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਗੀ ਤੋ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲੇਗਾ ਧਰਨਾ अभी बैठे हैं अभी कोई जैसे, जैसे बात हो रही थी कि ट्रैक्टर रैली जो आप निकालेंगे और शामिल होंगे 26 जनवरी में शामिल होंगे तो कैसे शामिल होंगे आप शामिल होंगे शांतमई शामिल होंगे शांतमई शामिल होंगे शांतमई जाएगा कोई भी किसान कोई हुलड़बाजी नहीं करेगा कोई कुछ नहीं करेगा शांतमई रहेंगे जो 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 तशद्दुद करना है मोदी ने करना है तो मोदी कर ले हम तो हमारा कोई किसान किसी के ऊपर एक हाथ कोई ऊपर नहीं करेगा 26 जनवरी के बाद आपकी जो है आप क्या रणनीति अपनाएंगे यही रणनीति सरकार तो नहीं मान रही ना माने चार पांच महीने हो गए ये पक्की बात है कि कौम जी जिन्होंने पंगा लिया इन्होंने इन्होंने किसानों के नाल लिया ये किसान एक इंच पिछे ने इतने भावे 6 साल लग जा कदी भी नहीं हो सकता कि मतलब कि ये चीज़ जी पिछे किसान हटन गए ये जी जनता जी सब तो जी कि वड्डी होंगी आ जनता ही पीएम बनाती आ जनता ही सरकार चुनती आ जनता जे जनता नहीं कानून मंजूर है क्योंकि ऐसे खतरनाक कानून बनाए हैं कि एक बार किसान जड़े आ यहोजी हालात हो जाएंगे कि मतलब कि अंबानी अडानी का पूरा इतने राज हो जाऊगा इतने जनता जी आज सड़क पर आई है ये मुड़ के सड़क के होने जोगे भी नहीं छड़ना इन्होंने सानू दोस्तों आपने देखा है किसानों का जो रोष है किस तरह से उन्होंने अपना आक्रोश प्रकट किया है और उनको की मांग ये है कि जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मान लेती हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और जो कल का 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं तो पूरी शांति वो ढंग से वहाँ पर अपने ट्रैक्टर रैली मार्च निकालेंगे और बने रहिए हमारे साथ सियासी न्यूज़ देखते ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।